बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग और इसकी मैकेनिज्म। या जो मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग है वो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में आता है, और इसलिए आपको क्या करना है, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ लेना है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो ये मैं गारंटी लेता हूँ कि ये टॉपिक आपके आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। जो टॉपिक है वो ब्रीदिंग। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्रीदिंग होता क्या है। होता क्या है कि जब हम सांस को भरते हैं, ब्रीदिंग मतलब सांस को लेना, मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है उस एयर को रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू लंग्स तक ले जाना, और फिर वहां से जो फाउल एयर है, इम्प्योर एयर जो होती है, डर्टी एयर जो होती है, उसको क्या करना, लंग्स से बाहर निकाल देना। किसके थ्रू? थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो यही प्रोसेस जो होती है वह कहलाती है ब्रीदिंग। मतलब ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑफ द प्योर एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लंग्स एंड एक्सहेलिंग ऑफ द इम्प्योर एयर आर फाउल एयर फ्रॉम द लंग्स टू द आउटसाइड। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो यहां पर देखिए, ब्रीदिंग का डेफिनेशन मैं लिख दिया हूं। ब्रीदिंग होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑफ फ्रेश फ्रेश एयर, इनहेलिंग ऑफ फ्रेश एयर आर फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर एंड एक्सहेलिंग ऑफ फाउल एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो अब यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें, मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। यानी जो ब्रीदिंग होती है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। वो स्टेप्स कौन से होते हैं? पहला स्टेप क्या होता है, जब हम एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर से हम इनहेल करते हैं, मतलब सांस को हम भरते हैं, यानी एयर जो होगा वो एटमॉस्फेयर से नोज के थ्रू यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू लंग्स तक जाना एयर का एक स्टेप ये हो जाएगा, और उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन या इनहेलेशन बोलते हैं। और दूसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि एयर को एटमॉस्फेयर एयर को लंग्स से रेस्पिरेटरी ट्रैक को के थ्रू आउटसाइड रिमूव करना, आउटसाइड निकालना, वो प्रोसेस कहलाती है एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन। तो देयर आर 2 स्टेप्स इन विच ब्रीदिंग कंप्लीटेड। मतलब जो ब्रीदिंग होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, वन इज इनहेलेशन एंड अनदर इज एक्सहेलेशन, या इसी को इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन बोलते हैं। तो ये 2 स्टेप्स होते हैं। अब यहां पे हम लोगों को ये जानना है कि जो दोनों स्टेप्स हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एयर कैसे इनसाइड में जाता है और कैसे बाहर निकलता है, ये दोनों प्रोसेस हम लोगों को जानना है। और उससे पहले हम एक चीज आपको बता देना चाह रहे हैं। देखिए यहां पर थोड़ा ये देखिए, जो एयर होता है प्योर एयर, ये पूरा टोटल जो प्रोसेस होती है, टोटल जो पाथ है, टोटल जो यहाँ पर अगर हम देखें, इस पाथ को बोलते हैं रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसके थ्रू एयर जाता है कहां तक, लंग्स तक, इसको क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो इसके थ्रू एयर का, फ्रेश एयर का यहां तक पहुंच जाना, कहां, लंग्स तक, फेफड़े तक पहुंच जाना, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, पहला स्टेप इनहेलेशन और इंस्पिरेशन। फिर क्या होता है यहां पर, क्या होगा, जब CO2 इसमें और मिल जाएगी, डिफरेंट जो सेल्स होती हैं ऑफ द बॉडी उससे ब्लड के थ्रू CO2 आकर के इसमें फिल्ड होगा। अब फिर क्या होगा,
यहां से एयर को बाहर निकाल देना, कौन से एयर, डर्टी एयर को या इम्प्योर एयर को बाहर निकालना, वो होता है एक्सपिरेशन। अब ये कैसे होता है ये हम जानेंगे। होता क्या है, जो लंग्स होता है, लंग्स कहां मिलता है, तो लंग्स प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी, किसमें मिलता है, थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी जो होगी यानी कि अंदर जो स्पेस है, वो स्पेस कैसे बना होता है, आपको पता है कि यहां पर एक बोन होती है, चेस्ट बोन यहां पर, या इसी को स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम। बैक साइड में क्या होता है, वर्टिबल कॉलम होता है। बैक साइड में क्या होता है, वर्टिबल कॉलम होता है, यहां पर इस तरह से मैं दिखा दे रहा हूं, वर्टिबल कॉलम होगा। इससे यानी कि यहां से रिब्स निकली रहती हैं, रिब्स निकल करके पीछे जो बैक बोन होता है उससे जा करके जुड़ी रहती हैं, यानी कि इनको यहां से रिब्स निकल करके इससे क्या होती है, जुड़ी रहती हैं पीछे की साइड में। टोटल जो रिब्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 12 पेयर, 12 जोड़ी जो है रिब्स निकली रहती हैं और जा करके वर्टिबल कॉलम से जुड़ती हैं, और इस तरह से क्या होती है, एक केज फॉर्म करते हैं जिसको रिब केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिब केज। उसी रिब केज के अंदर क्या होता है, ये दोनों लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और नीचे की तरफ एक जो होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को डायाफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। इन्हीं के एक्टिविटीज के थ्रू एक चीज और ध्यान रखना है, जो ये रिब्स होती हैं इनसे मसल्स अटैच होती हैं। क्या अटैच होती हैं, मसल्स, दो तरह की मसल्स होती हैं, एक एक्सटर्नल, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये दोनों तरह की रिब होती हैं, और इनको इंटरकॉस्टल, इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं। मतलब कि इनसे जो मसल्स अटैच होती हैं वो कौन सी होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये रिब से जुड़ी रहती हैं। इन्हीं के डायाफ्राम और जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण ही क्या होता है, ये प्रोसेसेज होती हैं, दैट इज ब्रीदिंग प्रोसेस होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कैसे कंप्लीट होती है, तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन दैट इज इनहेलेशन ऑफ द एयर, इसमें क्या होता है, इंस्पिरेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, इनटेक करना फ्रेश एयर को लंग्स में भरना, इनटेकिंग ऑफ फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग्स एल्वोलाई, इसमें एल्वोलाई होते हैं, यहां से एयर का आकर के इसके एल्वोलाई में फिल हो जाना फ्रेश एयर का, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। इट इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, अभी आपको बताया गया रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, वन इज द इंटरकॉस्टल मसल्स यानी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड अनदर इज इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दो मसल्स होती हैं। Due to which, देखिए होता क्या है, ये कैसे होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स होती है, तो उसके कारण क्या होता है, डायाफ्राम लोअर्ड एंड बिकम फ्लैट, ये जो डायाफ्राम है वो क्या होगा, ये नीचे की तरफ चला जाता है, और जो इस शेप में ये है यहां पर, इसको डोम शेप बोलते हैं, ये क्या होगा, ये फ्लैट हो जाता है, यानी नीचे की तरफ जा करके ये क्या होगा, फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है,
इसके अलावा दूसरा क्या होता है, रिब्स मूव अपवर्ड, यानी कि यहाँ पे जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये जो रिब है, पसलियां जो हैं, ये ऊपर की तरफ उठती हैं, अपवर्ड मूवमेंट होता है, एंड आउटवर्ड और बाहर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ जाएंगी और बाहर की तरफ जाएंगी। इससे क्या होगा, वो कारण क्या बनेगी, दिस कॉजेस इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, यानी जहां पर लंग्स प्रेजेंट है उसका, उसके अंदर, यानी कि जब ये ऊपर चला गया और डायफ्राम नीचे की तरफ चला गया तो क्या होगा, जहां पर लंग्स प्रेजेंट है वहां पर, वहां का स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ जाएगा, दैट इज वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो जब क्या होगा, डायफ्राम लोअर एंड बीकम फ्लैट एंड रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स, दीज एक्टिविटीज कॉजेस इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होता है और कारण क्या बनेगा, एंड दिस कारण, जब वॉल्यूम, उस पर जो प्रेशर था वो रिड्यूस होगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर था वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स एक्सपेंड कर जाएगा, फैल जाएगा। इससे क्या होगा, लंग्स के अंदर जब ये फैलेगा तो लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, इन कंपेरिजन टू द, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। तो क्या होगा, डिक्रीज द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो उस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसके अंदर जो प्रेशर है उसको इक्वलाइज करने के लिए क्या होगा, एयर मूव करेगा, एयर मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो इस तरह से जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स होता है उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हमारी बॉडी को एनर्जी देना पड़ेगा मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसलिए यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस होती है एक्टिव होती है। कैसी प्रोसेस है, ये एक्टिव होती है, यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से इंस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम जानेंगे सेकंड क्या है, एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन। एक्सहेलेशन मींस फाउल एयर जो हो डर्टी एयर रिमूव हो जाए लंग्स से, कहां तक, आउटसाइड एटमॉस्फेयर में चला जाए। तो यहां पर कैसे होता है ये देखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग ऑफ फाउल एयर आउट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी से रिमूव हो जाए, मतलब लंग्स से क्या हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू फाउल एयर, जो डर्टी एयर है, जो गंदा एयर है, वो क्या हो, बाहर निकल जाए। यहाँ पे वो प्रोसेस कहलाएगी, किसके थ्रू, यहाँ लंग्स से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ये बाहर निकल जाए एटमॉस्फेयर में, वही प्रोसेस होती है एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन। तो यहाँ पर ये कैसे होता है, इट सिंपली इन्वॉल्व्स रिलैक्सेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स ड्यू टू व्हिच, मतलब इसमें होता क्या है, जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं वह क्या करती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती हैं, और उस कारण से होता क्या है, डायफ्राम रेज्ड एंड बिकम डोम शेप, यानी कि जो ये डायफ्राम है, यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, जो डायफ्राम है वह ऊपर की तरफ उठ जाता है और डोम शेप हो जाता है। किस शेप में हो जाता है, डोम के आकार का, यहाँ पर इस शेप में ये हो जाता है। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, रिब्स मूव अपवर्ड इनवर्ड्स, मतलब जो रिब ऊपर की तरफ उठ गई थी वो नीचे की तरफ दब जाती हैं, और इससे क्या होगा,
एंड डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मतलब थोरैसिक कैविटी की तरफ चली जाती हैं, जिस कारण से क्या होगा काजेज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी। जब नीचे की तरफ जाएगा उससे क्या होगा कि जो जहां पर लंग्स प्रेजेंट है कहां पर प्रेजेंट होता है थोरैसिक कैविटी में, तो थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है दैट इज स्पेस जिसमें लंग्स प्रेजेंट है वह वॉल्यूम कम हो जाएगा, वो स्पेस कम हो जाएगा, वो जगह कम हो जाएगी और इस कारण से क्या होगा लंग्स पर प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा प्रेशर मींस उससे क्या होगा कंप्रेशन ऑफ द लंग्स, लंग्स कंप्रेस हो जाएगा दब जाएगा और कारण क्या होगा काजेज इंक्रीज द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स। जब वो दबेगा लंग्स दब जाएगा तो इससे लंग्स के अंदर इसके अंदर जो एयर प्रेशर होगा वह इंक्रीज हो जाएगा और एयर प्रेशर जब इंक्रीज होगा किसके कंपैरिजन में जो बाहर यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एयर का जो प्रेशर है उससे क्या हो जाएगा एयर प्रेशर अंदर ज्यादा हो जाएगा, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए बराबर करने के लिए क्या होता है एयर बाहर की तरफ निकल जाता है। तो यहां पर देखिए इंक्रीज द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स देन फाउल एयर रश आउट ऑफ द लंग्स। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो डर्टी एयर है गंदी जो एयर है वह एयर क्या होगा बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे गंदी एयर का मतलब कि उसमें CO2 की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है और वो क्या हो जाएगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ये बाहर निकल जाएगी, तो वही प्रोसेस कहलाती है एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है क्या मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग। मतलब यहां पर आपको याद रखना है कि जो डायाफ्राम है और जो रिब्स से अटैच मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं वही इन्वॉल्व होती है किसके इन द प्रोसेस ऑफ द ब्रीदिंग। एक बार हम दोबारा देख लेंगे इनहेलेशन में क्या होगा जो मसल्स होती हैं मतलब जो डायाफ्राम होगा वो डोम शेप से फ्लैट हो जाएगा मतलब चपटा हो जाएगा नीचे की तरफ जाएगा और क्या होगा कि जो मसल्स होती हैं अटैच होती है हमारी रिब्स से पसलियों से अटैच होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी जिससे क्या होगा ये रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगी जिससे वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी इंक्रीज होगा बढ़ जाएगा और फिर क्या होगा जो प्रेशर होगा लंग्स पर वो रिड्यूस होगा जिस कारण से एयर प्रेजेंट जो होती है लंग्स के अंदर उसका प्रेशर क्या हो जाएगा कम होगा किसके कंपैरिजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में और इस कारण से एयर चली जाएगी तो वो इनहेलेशन कहलाएगा। फिर प्रोसेस क्या होता है रिवर्स होता है यहाँ पर जो जो ये डोम्स फ्लैट जो डायाफ्राम है वो डोम शेप में कन्वर्ट होगा और मसल्स के रिलैक्सेशन से ये रिब्स जो होती है नीचे की तरफ जाएंगी अंदर की तरफ जाएंगी जिससे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा कम हो जाएगा डिक्रीज होगा और इस कारण से प्रेशर लंग्स पर बढ़ेगा कंप्रेस होगा जिससे लंग्स के अंदर जो एयर होती है उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और फिर एयर ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगी और एक्सप्रेशन जो एक्सपायरेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर देखिए या ये जो मूवमेंट होता है एक तो ये एक्टिव होता है क्योंकि यहाँ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन जो होता है वह यहाँ पर पैसिव मूवमेंट होता है इट मींस यहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये आपका जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वीडियो में कुछ डिफरेंस जो पूछे जाते हैं लाइक डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन और डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ये हम पढ़ेंगे और ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।